अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको लग रहा होगा आज मैं इतना तैयार शेयर होकर कहाँ जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड की शादी में, और आपको मैं बताऊँ, ये दोनों ही मेरे क्लासमेट थे और इन दोनों की शादी हो रही है। ये स्टार्ट लव स्टोरी हुई भी मेरी क्लास में था, मतलब कि हमारे साथ ही थे साथ में, बट इतना मतलब ये ब्लॉसम हो नहीं पाई। बट जो किस्मत में लिखी होती है वो आखिर में हो ही जाती है, तो इन दोनों की शादी भी हो रही है। बाकी हम मिलेंगे वेन्यू पर। तो लो जी, हम निकल पड़े हैं, अभी हम आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं और काफ़ी ट्रैफिक है इतनी लेट में भी, और हल्की हल्की ठंडी, तो हमने शॉल भी पहनी है। तो बस इंशाल्लाह हम पहुँच के वेन्यू पे फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो। तनिया मेरी क्लासमेट थी जो हाई स्कूल में, और ये आज इतनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं वहीं पे क्यों नहीं आई थी, क्या रीज़न था कि मैं वहीं पर आ पाई। तो मैं वही अभी उसको बता रही हूँ ताकि उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, और उसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई थी सुनने के बाद कि क्या रीज़न था कि मैं क्यों नहीं आ पाई। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन आया है, शायद दो चार पिक्चर्स भी ली हमने उस दौरान। और ये है पूरा शादी का वेन्यू, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हुआ हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये लेडीज़ का एरिया है, मुस्लिम शादी में डिवाइडेड होते हैं, लड़का अलग बैठता है, लड़कियां अलग बैठती हैं, तो ये सारी ख़वातीन हैं यहाँ पे इस तरफ। और यहाँ मैं सनिया से पूछ रही हूँ कि मतलब सनिया कौन कौन आया है, किस किस को इनवाइट किया है, तो वो मुझे बता रही थी। अच्छा, मैंने उनसे पूछा था कि बहन कहाँ है, मतलब इनकी बड़ी आप ही कहाँ है, वो मुझे वही बता रही थी कि उधर देखो मेरे राइट हैंड साइड में, तो अभी वही इशारे से मुझे दिखाएगी कि अच्छा देखो उस तरफ, ऐसे ही। और मेहंदी जिसको कुछ दिखता ही नहीं है एज़ यूजुअल, दूर से भी नहीं देख पाती हूँ मैं, और बस पता चल गया कि कहाँ बैठी है भाई। अब हम वहीं जाएंगे और देखेंगे। तो जी, जैसे ही हम पहुँचे तो लगे शुक्र से हमें सनिया का निकाह देखने को मिल गया, और हम लेट ही सही बट सही टाइम पे पहुँच गए थे, और सनिया का निकाह हो रहा है। यहाँ सनिया अभी साइन करेगी, और आई गेस जो सनिया के साथ बैठे हैं ये उसके जीजू हैं, यानी कि दूल्हा भाई हैं, और निकाह हो जाएगा माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। और सनिया को बहुत बहुत मुबारक हो। ये सनिया की जो लेफ़्ट में येलो ड्रेस में बैठी है वो आलिया है, और इनको मैं जानती नहीं। और फाइनली अब मैंने देख लिया है और अब हम बैठे हैं। ये मेरी कुछ ड्रेस की डिटेल्स हैं, अभी आपको और डिटेल्स में दिखाते हैं कि मैंने क्या पहना था। दिस इज़ कॉल्ड गरारा, जो कि अभी काफ़ी फैशन में है, ट्रेंडिंग है, मतलब कि अभी सभी पहनते हैं। तो ये है मेरा गरारा। मैं देख रही हूँ कि कैसी आई थी मेरी पिक्चर्स और वीडियो कैसी बनी। मीनवाइल हम ढूंढने चले लड़के को, और लड़की का क्योंकि सेक्शन अलग है तो अभी हमें थोड़ी बहुत शायद झलक मिल जाए लड़के की, और देखते हैं देखते हैं। और ये रहा शाहजेब, दुल्हा मियाँ, और ये रहा खाना फाइनली। तो खाना बहुत टेस्टी था माशाल्लाह, और ये खाना कबाब, टिक्के, नहारी, बिरयानी, और यहाँ मैं अपना खाना इंजॉय करते हुए। और यू नो, आप सबको पता ही है कि खाने का जो मीठा होता है, यानी कि गुलाब जामुन हो या फिर कोई भी मीठा डिश जो स्वीट डिश रखा होता है, वो कितना टेस्टी होता है। और गुलाब जामुन वॉज द बेस्ट। और ये आई गेस ये चने का नहीं, आई गेस हाँ ये मूंग दाल का हलवा था, और ये बहुत टेस्टी था। एवरीवन एंजॉयड इट। एंड ये भाभी हैं शायद, हाँ ये सनिया की भाभी है जो मेरे पीछे से भी जा रही है, और इस बच्चे को भी पता चल गया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये लड़के क्या बात है। और हम हमारा स्वीट डिश इंजॉय करते हुए एक छोटी सी वीडियो बनाते हुए, काफ़ी हमने इंजॉय किया क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे, तो अच्छा ही लग रहा था, और अच्छा ही था सारा अरेंजमेंट भी, बहुत ही अच्छा था अरेंजमेंट। और यहाँ आप देख सकेंगे कि कैसे मैं अपने आप को फिक्स करते हुए, हम हिजाबियों का यही होता है कि हमेशा हिजाब फिक्स करते रहना होता है। और थोड़ा आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे है अरेंजमेंट, मतलब कैसे आसपास के लोग बैठे थे। और ये मेरी अम्मी है साइड में, और ये है ख़वातीन का एरिया। यहाँ पे सब अभी अपना खाना पेट पूजा कर रहे हैं, खाने का सब कुछ भूख लगी थी, क्योंकि हम वैसे भी हम आई गेस 10:30 बजे हम पहुँचे थे, तो खाना ही स्टार्ट हो गया था हमारे पहुँचने के बाद, जैसे ही निकाह हुआ, नहीं उससे पहले ही खाना शुरू हो गया था, निकाह हमारे पहुँचने के बाद ही हुआ। और ये था अरेंजमेंट सारा, और हमने बहुत इन्जॉय किया। ये थी बाहर की एंट्री, और अब हम
जाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये रही मैं और मेरी अम्मी आते हुए, और ये भाईजान ये जो हमारे सामने आ गए, वरना मैं पूरी आ जाती, और ये भी एक भैया जो निकल गए अभी शुक्र अल्लाह का, और ये मैं और अम्मी जा रहे हैं फाइनली। तो अम्मी कैसा लगा दावत तुम्हें? दावत बेस्ट। वलीमे में जाना है? नहीं जाना है, इतना दावत नहीं खाना, एकदम बटन टूट गया पहले से। ज्यादा खाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो वली का आना था, इसकी खुशी थी ये पूरा तरह। चलो दुआ दिया था लड़की को। हाँ, So here we are back at home and we really enjoyed the marriage. Everything was just amazing. और एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, हमको मतलब जो एड्रेस था वो था कि 7 नंबर ठोकर पे जाना है, बट अरेंजमेंट जो था वो बाहर ही था बैंक्वेट हॉल, और हम पहुँच गए गली के अंदर ही अंदर ही अंदर ही पहुँचते गए, और फिर बाद में हमने किसी से पूछा एट लास्ट, और फिर उन्होंने बताया नहीं नहीं आप तो बहुत आगे आ गए और आपको बाहर ही उतरना था। फिर हम वापस आए, जिससे कि हम थोड़ा लेट हो गए वेन्यू पर, और बट एक चीज़ हुई कि हाँ, हमें निकाह हमारे सामने ही हुआ, सो दैट वाज़ दी प्लस थिंग, बट एवरीथिंग वाज़ जस्ट अमेजिंग, फूड वाज़ जस्ट A1, एवरीथिंग वाज़ जस्ट अमेजिंग एंड परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ अल्लाह दोनों को सलामत रखे और खुश रखे, और एक दूसरे को जो है ना मोहब्बत बरकरार रखें दोनों की ज़िंदगी में, और अल्लाह हमेशा खुश रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। सो टिल देन टेक केयर, लव।